हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका की कुकिंग आइडिया में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हमेशा ठीक रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं बढ़िया सी टेस्टी रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज है संडे, संडे के दिन सभी का आलू का पराठा खाने का मन कर दिया और साथ में खाने का मन कर दिया आम की चटनी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज बनाते हैं एकदम नए स्वाद में आम की चटनी। तो आज मैं आम की चटनी की रेसिपी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो कच्चे आम लिए हैं जिसे मैंने पील करके कट कर लिया है। दो टमाटर लेंगे, इन्हें भी कट कर लेंगे। तीन लाल मिर्ची लेंगे साबुत वाली, थोड़े से अदरक लेंगे, 6-7 लहसुन लेंगे और धनिया की पत्ती लेंगे। अब इन सारी चीजों को हम मिक्सर जार में ऐड करेंगे। तो सारी चीजें ऐड करने के बाद लिड से कवर करेंगे और फाइन पेस्ट रेडी करेंगे। तो ये हमारी आम की चटनी बनके रेडी होगी। अब इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो चलिए इस आम की चटनी को और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए लगाते हैं इसमें तड़का। तो अब गैस के ऊपर तड़का पैन रखेंगे, इसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल। तेल ऐड करने के बाद जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टेबल स्पून राई ऐड करेंगे, थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे, 2-3 लहसुन ऐड करेंगे, 2-4 इसमें साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे। बस राई जब चटकने लगेगी तो गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तो तड़का हमारा रेडी है, अब इसे आम की चटनी के ऊपर ऐड करेंगे। तो आप इस तरह से आम की चटनी बनाकर खाइए, पराठे के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब आम की चटनी को थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे, फिर इसे हम सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरी आम की चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना। और सच में अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।